नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ मुकुल प्रकाश और हमारे खास कार्यक्रम सलाखे में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन में जिक्र होगा क्राइम से जुड़ी बड़ी खबरों का। तीन तलाक को लेकर सरकार के सख्त नियम के बावजूद तीन तलाक का पहला मामला बुलंदशहर से सामने आया है। तलाक की वजह महिला का विरोध बताया जा रहा है। विरोध वो भी किस लिए, शायद आप भी सुनकर हैरत में पड़ जाएंगी, क्योंकि पत्नी का ही रेप पति ने अपने बड़े भाई और दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और यही वीडियो भी बनाकर वायरल कर दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। तलाक 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 का यह पहला मामला नवविवाहिता की इज्जत से खिलवाड़। जेठ ने दोस्तों के साथ मिलकर किया गैंगरेप, रेप के दौरान बनाया वीडियो, हाथों पर लगी ये मेहंदी अभी पूरी तरीके से सूखी भी नहीं थी कि इस विवाहिता की जिंदगी निकाह के 24 घंटे बाद तीन तलाक ने तबाह कर दी। सुहाग की सेज पर इसके साथ जेठ और उसके दोस्तों ने गैंगरेप को अंजाम दिया और उसका वीडियो बनाया। जब इसकी शिकायत विवाहिता ने अपने पति राशिद से की तो उसने तीन तलाक दे दिया। वाक्या 1 दिसंबर का है, जब ये नवविवाहिता लाल जोड़े में सुहाग की सेज पर बैठी थी। उसका जेठ राकिब अपने दोस्त के साथ कमरे में घुसा और दोनों ने बारी बारी से रेप को अंजाम दिया। राकिब आ गया, राकिब ने मान से बदतमीजी, इसके साथ एक और आदमी है, उसने भी चक्कू दिखा दिया। तुम्हारी वीडियो फिल्म भी बनाई? वीडियो फिल्म भी बनाई कि नेट पे छोड़ देंगे, ज्यादा कहते ना करी था। अच्छा, ये घटना उस दिन की थी जिस तुम्हारे सुहाग रात थी? पहली तारीख की रात थी। ये तुम्हारे साथ बलात्कार की घटना? हाँ, असद ने अंदर तीन दफे तलाक दे दी। तीन दफे तलाक दे के सुबह गाँव के बारे में कर गया। वैसे तो सरकार ने भले ही तीन तलाक को लेकर मुस्लिम महिलाओं के हक और हकूक के लिए कानून बनाने की पहल की हो, लेकिन यूपी के बुलंदशहर में सुहाग की सेज पर नवविवाहिता के साथ हुई इस जघन्य घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये सोचिए। क्योंकि अब पीड़िता अपने घर पर है और पीड़िता के दर्द से उसके परिजन सदमे में है। ऐसे में वो अब जाए तो जाए कहाँ? सवाल बेटी की अस्मत के लिए भी उठ रहे हैं। परिजनों का बुरा हाल है, समाज के ताने और बेटी के दर्द ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। काम करा और तीन तलाक देकर यहाँ मेरी बेटी को दूसरे दिन गांव के बारों में छोड़ गया और मैं इस अपनी बेटी के बारे में इस सरकार से प्रार्थना करता हूँ, इन मुलजिमों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। तीन तलाक पर कानून बनने के बाद देश में ये पहला ऐसा मामला प्रकाश में आया जहां तीन बार तलाक कहकर तलाक देने वाले का मामला दर्ज हुआ है। वहीं पुलिस भी मामले को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन नवविवाहिता को इंसाफ कब मिलेगा कहना मुश्किल है। कोतवाली नगर के पास कल एक शिकायत आया, एक महिला जो कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसने यह शिकायत किया कि अभी उसके 1 दिसंबर को निकाह हुआ था। निकाह के बाद जब अब अपने ससुराल गई तो वहाँ जो इसके जिसके साथ निकाह हुआ था उसका पति, उसका भाई और उसके एक दोस्त ने मिल के साथ उसके साथ गलत काम किया। इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थाने पर, तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस की जांच लगातार जारी है, जांच पूरी कब होगी ये आने वाला भविष्य बताएगा। बुलंदशहर से टीवी 100 के लिए सुमित की रिपोर्ट। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र गांव अम्बेहटा रिदान में पुरानी रंजिश के चलते किसान को अज्ञात लोगों ने पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। किसान के दिन दहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र में दहशत फैल चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मृतक के परिजन के साथ
पुरानी रंजिश थी और यही वजह रही कि इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए, पुरानी रंजिश को लेकर किसान की हत्या, हत्या पर अपराधी हुए फरार, गांव के ही कुछ दबंगों ने दिया वारदात को अंजाम। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र गांव अंबेहटा रेदान में पुरानी रंजिश के चलते किसान की अज्ञात लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। किसान की दिन दहाड़े हुई हत्या से क्षेत्र में दहशत फैल चुकी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले मृतक के परिजन के साथ पुरानी रंजिश थी। हत्या का आरोप गांव के ही चार युवकों पर लगा है। मृतक के परिजनों की माने तो पिछले काफी समय से पड़ोसी युवक और उनके बीच रंजिश चल रही थी, जिसके चलते उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। चल रही थी रंजिश, समझ नहीं कहते वो मारेंगे, कई बार फैसला भी करा, प्रधान की भी नहीं माननी, पुलिस वालों की भी नहीं माननी, किसी की नहीं माननी, घर में घुस कर भी हमला करा और जो है लेडीज पर भी हमला करा, मेरे पीछे भी तलवार लेकर भाग गया दिन दाड़े। दरअसल हत्या का आरोप गांव के ही रहमान बाबर जुबैर असद पर मृतक के परिजनों ने लगाया। घटना के बाद से ही चारों आरोपी गांव से फरार हो गए हैं। घटना उस समय की है जब मृतक मोबीन सुबह के समय अपने खेत पर था। आरोप है कि उसी समय गांव के ही चार युवक खेत पर पहुंचे और किसान को लाठी डंडों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार भी हो गए। जब मृतक मोबीन के परिजन खेत में काम करने के लिए पहुंचे तो मोबीन को खेत में अचेत अवस्था में देखा, लेकिन तब तक मोबीन दम तोड़ चुका था। मोबीन के शरीर पर चोट के गहरे निशान थे, जिससे साफ जाहिर है कि मोबीन की पीट पीट कर निर्मम हत्या की गई थी। भाई को जी उन्होंने उनके पीछे लग के और मार दिया जी। कौन लोग थे ये सामने रह जी? रहमान है, मुख्तार है और कुछ बाहर गांव के लोग हैं। कितने लोग हैं? ये 5-6 लोग हैं, कुछ बाहर के आए हुए थे कल जो देखे वहाँ शादी में जी, उन्हें जाने थे अपाची मोटरसाइकिल पे पीछे उससे पहले गए में। तो कैसे की उनकी हत्या? रास्ते में जी सर पेट मस्त डुक बुक बजा के बेल्ट तगड़ा घोट का अच्छा इस तरह मारा। तो इस घटना के बाद जहां इलाके में सनसनी फैल चुकी है, तो वही मामले को लेकर आनन फानन में पहुंची पुलिस ने पहले शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फिर आरोपियों की खोज में जुट गई है। मोबिन सनब महमूद है, उनकी 21-22 वर्ष उम्र है, अभी एक गड्ढे में उनके साथ एक मोटरसाइकिल से जा सकते उनके परिजनों द्वारा तहरीर दी गई और 6 के खिलाफ उनका मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बाहर से चोट तो हम लोग को देखने में नहीं आ रही थी, बाहरी चोट कोई एक उसके छाती पर थोड़ी सी हल्की चोट दी गई थी। अब सारा दारोमदार पुलिस पर है। पुलिस अपनी जांच में कब तक आरोपियों को धर दबोचती है ये पुलिस पर निर्भर करता है। फिलहाल मृतक के परिजन सदमे में है और पुलिस से इंसाफ की आस लगाए हुए हैं। देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक दोषियों को धर दबोचती है। शामली से टीवी 100 के लिए श्रवण की रिपोर्ट। शामली के झिंझानक थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष और पथराव हुआ। दोनों पक्षों में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद जो नजारा पथराव के साथ साथ लाठी डंडों में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और धारदार हथियार भी चले, जिसमें एक पक्ष की 2 महिलाओं समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस रिपोर्ट में देखिए पूरी वारदात। शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष और पथराव हुआ। दोनों पक्षों में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये नजारा पथराव के साथ लाठी डंडों में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी और धारदार हथियार चले, जिसमें एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो अपने बुक में नहीं भर लिया का हां कर लगे कि नहीं हम तो नहीं लाऊंगे थोड़ी भर के। चलो जी घर आ गए। मैं तीन परिवार थे जी,
और हम था हमारा था एक ही हम दो ही थे बस अच्छा। बच्चे भी स्कूल जा रहे थे अच्छा आज मैं हम खड़े थे सुबह अपने ऊपर बोर्ड लिखा अब ऊपर ही हमला खड़ा उन्होंने मारा पाया। संघर्ष की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और भारी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से पुलिस ने घायलों को झिंझाना CHC में भर्ती कराया है। फिलहाल गांव में शांतिपूर्ण माहौल है, वहीं इस मामले पर पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। अब देखना यह होगा कि मामले को लेकर बयान से बच रही पुलिस इस मामले में कब कार्रवाई कर दोषियों को धर दबोचती है। शामली से TV100 के लिए श्रवण की रिपोर्ट। शामली में छात्रा की हत्या को लेकर स्कूल की छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन करती हुई छात्राओं ने अपनी सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। इंसाफ को लेकर छात्राओं का बवाल, सोनी हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन, एक तरफा प्यार के कारण हुई थी हत्या, क्या कर रहा है प्रशासन? छात्रा की हत्या को लेकर आज छात्राओं ने जमकर बवाल काटा और विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी दोस्त की हत्या को लेकर प्रशासन से इंसाफ के तौर पर दरिंदे की फांसी की मांग की। वही हंगामा कर रही छात्राओं को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्राओं को शांत कराया और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। उसके बाद में मैं गारंटी ले रहा हूँ इसमें फांसी होगी, कोई बचा नहीं पाएगा, मैं कहीं जा नहीं। एक मिनट सर, किसी एक बात बेटा सुन लो एक मिनट। ये सब चीजें हम लोग कलेक्ट करते हैं और कोर्ट में पेश करते हैं, वो मैंने कर लिया। वाकया जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव गड़ी श्याम का है। यहाँ 6 दिन पहले स्कूल से घर लौट रही छात्रा की धार धार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्या गांव के ही सनकी प्रेमी अमरपाल ने की थी। ग्रामीणों के साथ परिजनों की माने तो सोनी की हत्या की वजह एक तरफा प्यार है, क्योंकि अमरपाल सोनी को आए दिन परेशान करता था और घटना के दिन आरोपी अमरपाल ने छात्रा सोनी को रास्ते में रोक कर उसकी हत्या कर दी थी। लड़की को हमें फांसी की सजा दिलवानी है और सोनी को न्याय दिलवाना है, तो यही आपकी मांग है। और लड़कियों के लिए अच्छी यहाँ पे स्कूल में सुविधा सुरक्षा होनी चाहिए। हाँ। किस तरीके की सुरक्षा चाहिए आपको? हमें जैसे लड़की जाती है स्कूल में से और उन्हें लड़के परेशान करते हैं, क्यों करते हैं परेशान, किसी ने थोड़ा किसी ने कुछ ले रखा है। वही पुलिस और आरोपी का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बहुत दिनों से चल रहा था, जिससे आरोपी के परिजन खुश नहीं थे, इसीलिए आरोपी ने सोनी की हत्या कर दी। सोनी हत्याकांड केस में जो अपराधी पकड़ा गया है अमरपाल, उसकी फांसी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया है, क्योंकि वो छात्रा इसी स्कूल की थी, इसलिए इन्होंने प्रदर्शन किया। छात्रा की हत्या के बाद परिजन सदमे में हैं और अब प्रशासन से इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अब विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द ही आरोपी को सजा देने का आश्वासन दे रहा है। देखना ये होगा कि ये कब तक संभव हो पाता है। शामली से TV100 के लिए श्रवण की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक युवक फोन पर बात करते हुए अचानक से ब्लेड से अपने ऊपर ही वार करने लगा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही युवा खुद को इतना खून से लथपथ कर चुका था कि वो कुछ बोलने के लिए होश में ही नहीं था। आखिर क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क पर अचानक से सनसनी फैल गई, लोग उस युवक की तरफ दौड़ पड़े। सड़क पर अचानक से आपाधापी शुरू हो गई, क्योंकि वो लड़का आत्महत्या करने के लिए खुद का गला काट रहा था। पूरी तरह से घायल लड़के को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस राजकीय पुरुष चिकित्सालय सागर लाई, जिसका उपचार चल रहा है। स्थानीय लोगों के और यहां जो पुलिस को जो बयान दिया सरकारी हॉस्पिटल में, वो कह रहा प्रेम प्रसंग का मामला कुछ इस तरीके का प्रतीत होता है।
वाकया जौनपुर के शाहगंज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार का है, जहां घायल युवक किसी से फोन पर बात करते हुए अचानक से अपने गले पर ब्लेड से वार करने लगा। लोग कुछ समझ पाते उसके पहले पीड़ित लड़का बुरी तरह से घायल हो गया था। स्थानीय लोग इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। वही मामले को लेकर पुलिस घायल को विक्षिप्त मान रही है। ऐसे में पुलिस की माने तो लड़के के होश में आने के बाद कुछ पता चल पाएगा। तथा ये निवासी अपने को जो है वो डिगडिगा थाना गोसाई गंज का बता रहा है। रूप से ये असंतुलित लग रहा है, तो संभव हो सकता है प्रेम प्रसंग रहा हो या कोई और बात हो, तो इसका इलाज चल रहा है। जैसे ही ये बताने की स्थिति में आएगा तो पूरी बात पता चलेगी। फिलहाल पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक ने किस सनक में बीच सड़क पर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जौनपुर से टीवी 100 के लिए मसूद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में हुई डकैती के बाद अब इलाके के लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। डकैती की वारदात को अंजाम देने आए लोगों ने डकैती के पहले घर के सभी सदस्यों को जमकर धुनाई करते हुए बंधक बना लिया और हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। बुलंदशहर में हुई डकैती के बाद अब इलाके के लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। डकैती की वारदात को अंजाम देने आए लोगों ने डकैती के पहले घर के सभी सदस्यों को जमकर धुनाई करते हुए बंधक बनाया और हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले डकैतों ने घर से लाखों के जेवरात के साथ रुपए लूट कर चलते बने। वाकया बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात के गांव बोहरवासा का है। लूट की इस वारदात के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जल्द ही आरोपियों को धर दबोचने के दावे कर दिए हैं। एसएसपी ने इस मामले में लापरवाही पाने जाने पर चौकी इंचार्ज और बीट आरक्षी को निलंबित भी कर दिया। बदमाश घुसते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं, जिसमें दोनों ही घरों से उनके द्वारा लूटपाट की गई है और ये इस संबंध में मेरे द्वारा तथा एसपी क्राइम द्वारा एसएसपी सर द्वारा विजिट कर लिया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट का प्रयोग किया गया है तथा सर्विलांस सेल की भी मदद ली जा रही है। आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक डकैतों की संख्या दर्जनों में थी, जिसके चलते परिजन डरे और सहमे हुए हैं। इलाके में हुई इस वारदात के बाद एक बार फिर से सुरक्षा के नाम पर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि प्रशासन से लेकर सरकार तक सुरक्षा के दावे किया करते थे। उन्होंने एक माँ और बहन दोनों हमारे कब्जे में, किवाड़ खोल रहा या किवाड़ तोड़े। मैंने फिर मम्मी इधर उधर हुई है, मम्मी ने फिर कहा खोल दिया, फिर मैंने किवाड़ खोली, फिर उन्होंने अंदर गए, अंदर आकर मेरे ऊपर और चाबी मांगी है, चाबी हमने उन्हें दे दी और सारा सामान वो निकाल के ले गए। 2.5-3 लाख का ज्वेलरी है और 65,000। जिला बुलंदशहर में डकैती की एक माह में यह 7वीं वारदात है। डकैती गैंग वही लगता है। पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची और फील्ड यूनिट फॉरेंसिक टीम आदि से मौके से सबूत और तथ्य जुटाए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक ठोस कार्रवाई करती है। बुलंदशहर से टीवी 100 के लिए सुमित की रिपोर्ट। मेरठ की सिटी कोतवाली क्षेत्र पूर्वा इलाही इलाके में चल रही फर्जी फाइनेंस कंपनी को लेकर प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी मिली। एसटीएफ की छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मौके से मालिक सोनू गुर्जर सहित 17 लड़के और 8 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी कंपनी का भंडाफोड़, एसटीएफ ने किया फर्जी कंपनी का खुलासा। लोन के नाम पर लोगों को बनाते थे बेवकूफ।
मेरठ की सिटी कोतवाली क्षेत्र पूर्वा इलाही इलाके में चल रही फर्जी फाइनेंस कंपनी को लेकर प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ की छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने मौके से मालिक सोनू गुर्जर सहित 17 लड़के और 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इनके कब्जे से 1 दर्जन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। हमारी टीम द्वारा यहां पर छापेमारी की गई और जो है इन्हें कंपनी मालिक सहित इस काम में संलिप्त सभी लोगों को अरेस्ट किया गया है। से अलग अलग से पूछताछ करके सबका डिटेल तैयार करके और जो भी यहां से रिकवरी हुई है सबका फर्द बना के विधिक कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मेरठ एसटीएफ यूनिट को पिछले कई दिनों से फर्जी फाइनेंस कंपनी संचालित होने की सूचना मिल रही थी, जिसको लेकर सीओ ब्रजेश कुमार ने अपनी टीम के कुछ सदस्यों को पहले फर्जी फाइनेंस कंपनी की रेकी कराई, जिसके बाद आज एसटीएफ यूनिट ने फर्जी फाइनेंस कंपनी का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज बरामद किए और पूछताछ में जो खुलासे हुए उससे कहीं ना कहीं आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। जब फर्जी कंपनी का मालिक सोनू गुर्जर अखबारों में ऐड देकर लोगों को बेवकूफ बनाकर अच्छी खासी रकम ऐंठता था। ये पहले से काफी दिनों से कंप्लेन आ रहा था लोगों के पास कि एक इस तरह की जो फर्जी कंपनी ये लोग चला रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, कॉल सेंटर फर्जी तरीके से चला रहे हैं, गरीब लोगों को बुला के और लोन देने के बहाने जो इनसे प्रोसेसिंग मनी काफ़ी मात्रा में लेते हैं, फिर फाइल रिजेक्ट करके और व्यापक पैमाने पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। सिग्नेचर प्लस नाम की यह फर्जी फाइनेंस कंपनी मेरठ के पूर्वा इलाही इलाके में चल रही थी। यहां पर 2 दर्जन से अधिक लड़के और लड़कियां टेली कॉलिंग और लोन दिलाने का काम करते थे। लोन लेने के नाम पर जैसे ही गरीब आदमी इनके पास पहुंच जाता था, यह लोग इनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 20 से 25 हजार रुपए ले लिया करते थे और लोन की फाइल चालू करने की बात का हवाला देकर उन्हें बेवकूफ बनाने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। ये लोग ज़्यादातर इस टीयूपी के अखबारों में विज्ञापन अपने निकलवाते हैं, वहीं अपने कॉल सेंटर के माध्यम से वहीं के लोगों को फ़ोन भी करवाते हैं कहीं से नंबर हासिल करके, और जो गरीब और कम पढ़े लिखे और सरल से लोग हैं उनको ठगने का काम ये लोग करते हैं। ज़्यादातर इनका जो नेटवर्क इस टीयूपी में जो है यहाँ से फैला हुआ है। एसटीएफ की टीम ने बड़ी सूझबूझ के साथ इस काम को अंजाम देकर भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने से बचा लिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग पैसा देकर फंस गए, क्या उनका पैसा उन्हें दोबारा मिल पाएगा? बड़ा सवाल है। मेरठ से टीवी 100 के लिए रामबाबू की रिपोर्ट। जालौन की कालपी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब ट्रक लूटने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं, साथ ही इनके पास से लूटे गए सामान को भी बरामद कर लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। जालौन की कालपी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब ट्रक लूटने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए, साथ ही इसके पास से लूटे गए सामान भी बरामद किया गया। कुछ जो कागजात थे, ड्राइवर खलास के कागजात और 2 कट्टा 4 कारतूस ये सब बरामद। इसके पहले कोई ये करते रहे मुझसे? हाँ, ये पहला पहले जो है उसमें मोटरसाइकिल चोरी में जा चुका है, मोटरसाइकिल को निकालने लिया है, और जो दूसरा है शक्ति सिंह, इसका भी आपराधिक इतिहास है। आरोपी शक्ति सिंह और प्रहलाद को लेकर खुलासा करते हुए जालौन के एसपी के मुताबिक 27 नवंबर को ट्रक चालक ओमपाल सिंह ट्रक में आलू भरकर कानपुर से चेन्नई के लिए जा रहे थे, जिस दौरान रात में कार सवार लोगों ने ट्रक चालक को रोककर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रात्रि में 12:30 बजे लौटते समय एक कार से 2-4 मुजरिमान थे, इन लोगों ने उसको रोक करके उसके मोबाइल और उसके जो पैसे वैसे थे वो छीन लिए थे।
और इसमें दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ये शक्ति सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह, ये अरौलिया ग्राम जरौलिया थाना जिला औरैया का है, और प्रहलाद यादव है, ये ग्राम मबई अहीर थाना का दौरा का है। पकड़े गए आरोपियों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसको लेकर पुलिस अब जांच में जुट गई है और इन आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने इस काम के लिए उन कर्मचारियों को इनाम दिया है जिन्होंने मुठभेड़ के दौरान इन दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। जालौन से टीवी 100 के लिए सुधीर की रिपोर्ट। तो फिलहाल सलाखे में इतना ही, ब्रेक के बाद देखिए उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।